नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में, जिन्हें शायद आप पहले नहीं जानते थे। ये हैं वो परिंदे जो सिर्फ उड़ते ही नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा खतरा भी लिए उड़ते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे इनकी दुनिया के बारे में और ये भी कि इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है सदर्न कैसोवेरी। ये पक्षी जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगल में घूमता रहता है और इससे छेड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। ये पक्षी अपने क्षेत्र को लेकर बहुत संवेदनशील होता है और अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये हमला करने से पीछे नहीं हटता। ये अपने पैरों से इतना जोर से लात मार सकता है कि हड्डियां तक टूट जाएं। इसके पैरों में 3 नुकीले पंजे होते हैं जो किसी भी शिकारी को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी सी चिड़िया नहीं है, ये आदमी से भी लंबा हो सकता है। एक वयस्क सदर्न कैसोवेरी की ऊंचाई 6 फीट तक हो सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक बनाता है। इसके पैरों में तीखे पंजे होते हैं जिससे ये शिकार को फाड़ देता है। ये पंजे 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं जो इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। और भागने की बात करें तो ये चीते से कम नहीं है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतनी तेज रफ्तार से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। तो अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया या न्यू गिनी जाएं तो इससे दूर ही रहना। ये पक्षी अपने क्षेत्र में किसी भी अजनबी को बर्दाश्त नहीं करता और हमला करने में देर नहीं लगाता। अगर ये आपको देख ले तो शांत रहना, आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश मत करना। कैसोवेरी को उकसाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। धीरे से पीछे हटना और भागने की कोशिश मत करना, वरना ये आपको पकड़ लेगा। अगर आप इसे देखकर भागने की कोशिश करेंगे तो ये और भी आक्रामक हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सदर्न कैसोवेरी घने जंगलों में रहता है जहां इसे छुपने और शिकार करने में आसानी होती है। ये पक्षी फल, छोटे जानवर और कीड़े खाता है, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये इंसानों पर भी हमला कर सकता है। ये पक्षी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बहुत आक्रामक हो सकता है। अगर आप कभी कैसोवेरी के बच्चों के पास जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि माँ कैसोवेरी अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोस्तों, सदर्न कैसोवेरी जितना अद्भुत है उतना ही खतरनाक भी है। इसे दूर से ही देखना और इसकी खूबसूरती का आनंद लेना ही बेहतर है। याद रखें, ये चिड़िया नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकारी है। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रिच, जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये अफ्रीका के मैदानों में घूमता रहता है और इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि एक लात में शेर को भी गिरा दे। ये आदमी से भी ज्यादा तेज भाग सकता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके पैरों में 2 बड़े बड़े नाखून होते हैं जिससे ये अपना बचाव करता है। तो भैया, ऑस्ट्रिच के पास जाने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। ये कोई पालतू जानवर नहीं है, ये जंगली है और कभी भी हमला कर सकता है। अगर आप कभी सफारी पे जाएं और ऑस्ट्रिच दिखे तो गाइड की बात मानना और गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। अगले नंबर पे आता है हार्पी ईगल, जो साउथ अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में रहता है। ये पक्षी अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता है और इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ईगल्स में से एक है। इसकी पंखों की चौड़ाई लगभग 7 फीट तक हो सकती है, जो इसे एक प्रभावशाली शिकारी बनाती है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये आसानी से बंदरों, स्लॉथ और यहाँ तक कि हिरणों को भी उठाकर ले जा सकता है। इसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये अपने शिकार को एक ही झटके में मार सकता है। हार्पी ईगल की नजर बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकता है। इसकी आंखें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये घने जंगलों में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है। ये इतनी तेजी से उड़ान भरता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। इसकी उड़ान की गति और सटीकता इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। हार्पी ईगल अपने घोंसले को बहुत ऊंचे पेड़ों पर बनाता है जहां से ये अपने शिकार पर नजर रख सकता है। इसके घोंसले इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान भी उसमें आराम से बैठ सकता है। अगर आप कभी अमेज़न के जंगलों में जाएं तो हार्पी ईगल से सावधान रहें। ये बहुत ही खतरनाक पक्षी है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो सकता है। हार्पी ईगल अपने बच्चों की देखभाल में भी बहुत माहिर होता है।
ये अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। इसकी मातृत्व की भावना इसे और भी अद्वितीय बनाती है। कुल मिलाकर हार्पी ईगल एक अद्वितीय और शक्तिशाली पक्षी है जो अपने शिकार और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत, गति और मातृत्व की भावना इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। चैप्टर 4, चौथे नंबर पे आता है लैमर गायर, जिसको बियर्डेड वल्चर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी पक्षी है जो अपने अद्वितीय व्यवहार और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों में अपना घर बनाता है, जहां ये आसानी से अपने शिकार को देख सकता है और सुरक्षित रह सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हड्डियों को खाना पसंद करता है। ये अन्य पक्षियों से अलग है क्योंकि ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों को खाता है, जो इसे एक स्कैवेंजर बनाता है। ये हड्डियों को तोड़ने के लिए उन्हें ऊंचाई से पत्थरों पर गिराता है और फिर अंदर का बोन मैरो खा जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और अद्वितीय है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। इसके पास तीखे पंजे और मजबूत चोंच होती है, जिससे यह हड्डियों को आसानी से तोड़ लेता है। इसके पंजे और चोंच इतने शक्तिशाली होते हैं कि यह बड़ी से बड़ी हड्डियों को भी तोड़ सकता है। लैमर गायर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह खतरनाक नहीं है। यह बहुत ही सतर्क और सावधान पक्षी है जो इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करता है। अगर आप कभी इसके आसपास जाएं, तो सावधान रहें और इसे परेशान करने की कोशिश न करें। यह पक्षी अपने क्षेत्र की रक्षा करने में बहुत ही सक्षम होता है, और अगर इसे खतरा महसूस होता है तो यह हमला भी कर सकता है। लैमर गायर की संख्या में कमी आ रही है और इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके प्राकृतिक आवास को बचाने और इसे शिकार से बचाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एनिमल्स वैली को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। हम आपको वन्यजीवों की दुनिया की और भी अद्भुत कहानियां दिखाते रहेंगे। चैप्टर 5, पांचवें नंबर पे आती है ग्रेट हॉर्न्ड आउल, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जंगलों में रात को शिकार करती है। इसकी नजर रात में बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इसके पंजे बहुत तीखे होते हैं और ये अपने शिकार को एक ही वार में मार सकती है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल ज्यादातर चूहे, खरगोश और छोटे जानवरों का शिकार करती है, लेकिन कभी कभी ये बिल्ली और कुत्तों पर भी हमला कर देती है। चैप्टर 6, छठे नंबर पे आता है बैरेड आउल, जो नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ये अपने ब्राउन एंड व्हाइट स्ट्राइप्स के लिए जाना जाता है, जिससे ये पेड़ों के बीच आसानी से छिप जाता है। बैरेड आउल की नजर भी बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को दूर से देख सकता है। ये अपने शिकार पर चुपके से हमला करता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। बैरेड आउल ज्यादातर चूहे, मेंढक और छोटे पक्षियों का शिकार करता है। चैप्टर 7, सातवें नंबर पे आता है रेड टेल्ड हॉक, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये अपनी लाल पूंछ के लिए जाना जाता है, जो इसे उड़ान के दौरान आसानी से पहचानने में मदद करती है। रेड टेल्ड हॉक की नजर भी बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को बहुत ऊंचाई से देख सकता है। यह ज्यादातर खरगोश, गिलहरी और चूहों का शिकार करता है। रेड टेल्ड हॉक अपने शिकार को अपने तेज पंजों से मारता है और फिर यूं सिखा जाता है। चैप्टर 8, आठवें नंबर पे आता है स्नोवी आउल, जो आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। ये अपने सफेद रंग के लिए जाना जाता है, जो इसे बर्फ में छिपने में मदद करता है। स्नोवी आउल की नजर भी बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को दूर से देख सकता है। ये ज्यादातर लेमिंग नामक एक प्रकार के चूहे का शिकार करता है। स्नोवी आउल अपने शिकार को अपने तेज पंजों से मारता है और फिर उसे खा जाता है। चैप्टर 9, नौवें नंबर पे आता है पेरेग्रीन फाल्कन, जो दुनिया भर में पाया जाता है। ये अपनी तेज उड़ान के लिए जाना जाता है और ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। पेरेग्रीन फाल्कन अपने शिकार को हवा में ही मार सकता है। ये ज्यादातर छोटे पक्षियों का शिकार करता है। पेरेग्रीन फाल्कन अपने शिकार पर तेजी से झपटता है और उसे अपने तेज पंजों से मार डालता है। चैप्टर 10, दसवें नंबर पे आता है गोल्डन ईगल, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ये अपने सुनहरे रंग के लिए जाना जाता है
और ये दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक है। गोल्डन ईगल की नजर भी बहुत तेज होती है और ये अपने शिकार को बहुत ऊंचाई से देख सकता है। ये ज्यादातर खरगोश, गिलहरी और यहां तक कि हिरण और भेड़ जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है। गोल्डन ईगल अपने शिकार को अपने तेज पंजों से मारता है और फिर उसे खा जाता है। उतरो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पक्षी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल एनिमल्स वैली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।